अगर आप कोई 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें वीडियो को रेंडर करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो प्रीमियर प्रो की मदद से आप अपने रेंडर को बहुत आसान कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास में एक छोटी सी एनिमेशन है यहाँ पे, जिसमें मेरा डायनासोर जो है वो यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है। हालांकि ये अपनी जगह पे ही चल रहा है, लेकिन मैं इसको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ले जाके आगे की तरफ मूव कर सकता हूँ। तो फिलहाल मुझे बस इतना सा जो पोर्शन है वो यहाँ पे रेंडर करना है। अगर आपको वीडियो को रेंडर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो फिर आप यहाँ पे PNG सीक्वेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और PNG सीक्वेंस को अपने प्रीमियर प्रो में किस तरीके से ले जाते हैं वीडियो के रूप में, तो वो यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ बैकग्राउंड में मैंने एक HDRI इमेज ले रखी है, जिसकी मदद से मुझे यहाँ पे चारों तरफ बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। HDRI इमेज को आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज कर सकते हैं, और कैरेक्टर जो है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे जो मेरा पुराना है उसी को रखूँगा और जीरो बटन दबाऊँगा। इस तरीके से मेरा ये कैमरे में इतना पोर्शन यहाँ पे अब रिकॉर्ड होके आने वाला है। तो अब मुझे अगर इसको एज अ वीडियो प्रीमियर प्रो के अंदर ले जाना है, तो फिर सबसे बेस्ट तरीका होता है इसमें PNG सीक्वेंस के रूप में ले जाना। अब ये PNG सीक्वेंस किस तरीके से निकालते हैं, इसके लिए आपको रेंडर सेटिंग में कुछ नहीं करना होता है। जो भी आपकी डिफॉल्ट रेंडर सेटिंग है वो आपको एज इट इज़ रखनी है। सिर्फ आपको यहाँ पे ब्लेंडर को बताना है कि आपको यहाँ पे कहाँ पे PNG सीक्वेंस को सेव करना है। तो इसके लिए आप अपने कंप्यूटर में कहीं भी चले जाइए और कहीं पे एक फोल्डर बना लीजिए, जिसमें आपको वो इमेज या वीडियो जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे उसको सेव करना चाहते हैं। तो इसके लिए डाउनलोड्स जो है मैंने यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लिया है और इसका नाम दे देता हूँ मैं PNG सीक्वेंस। आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस फोल्डर के अंदर जाऊँगा, यहाँ से इसका पाथ जो है वो यहाँ पर कॉपी कर लूँगा और वापस से अपने ब्लेंडर के अंदर आऊँगा। यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट टेम्प जो है वो लिखा हुआ नज़र आएगा। इधर की साइड में जो पाथ होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी पाथ होगा वो यहाँ पे आपको मिलेगा, जिसमें टेम्प अधिकतर यहाँ पे लिखा होता है। लेकिन आपने जो नया फोल्डर बनाया है, सिर्फ यहाँ पे ये जो छोटा सा फोल्डर है इस पर क्लिक करके उसका जो पाथ कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ एक्सेस पे क्लिक कर देना है, तो उस फोल्डर का पाथ इसको मिल जाएगा। यानी जो भी चीज़ मेरी यहाँ पे अब सेव होगी वो उस फोल्डर में जाएगी। और आपको कुछ भी इसमें सेटिंग्स नहीं करनी है। सिर्फ अगर आपका छोटा मोटा इसमें स्लो या फास्ट मोशन है, तो ये फ्रेम रेट आप इसमें बढ़ा सकते हैं एनिमेशन से पहले यहाँ पे बढ़ा लेना है। अगर आपने एनिमेशन के बाद में इसको बढ़ाया तो फिर आपकी पूरी एनिमेशन ख़राब हो जाएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ऑलरेडी यहाँ पे 60 फ्रेम है। अब मुझे इसको रेंडर करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे अगर एक इमेज रेंडर करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपकी इमेज यहाँ पे रेंडर हो जाएगी। और पूरी जो यहाँ पे वीडियो है उसको रेंडर करना चाहते हैं तो रेंडर एनिमेशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करते ही मेरा ये ब्लेंडर PNG सीक्वेंस के रूप में आपकी वीडियो को आपको दे देगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे पूरे एनवायरमेंट के साथ यहाँ पे इसको एनिमेशन को सेव करना चाहता हूँ, या फिर मैं सिर्फ इस कैरेक्टर को सेव करना चाहता हूँ, पीछे की कोई चीज़ मुझे नहीं चाहिए, बाकी चीज़ मैं अपने वीडियो एडिटिंग से इसमें डालूंगा। तो दोनों तरीके इसमें देख लेते हैं। पहला तरीका तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यानी जो भी आप यहाँ पे रेंडर करेंगे वो आपका इसके साथ में आपको मिलेगा, जो आपका बैकग्राउंड है। और ये बैकग्राउंड आपको इधर वर्ल्ड वाले ऑप्शन में HDRI इमेज को आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको ये अच्छी नहीं लग रही है। जिन्होंने ब्लेंडर का कोर्स किया हुआ है उनको पता होगा कि HDRI इमेज क्या होती हैं, किस तरीके से इस्तेमाल होती हैं और कहाँ पे आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी HDRI इमेज है, जिसमें आप किसी को भी सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से वो आपकी इमेज जो है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास में ये जो इमेज है ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है कैरेक्टर के हिसाब से, तो इसको ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके रखूँगा। अब मान लीजिए मुझे ये बैकग्राउंड में जो आपको नज़र आ रहा है ये आपको नहीं चाहिए, सिर्फ आपका कैरेक्टर आपको चाहिए और इसकी जो लाइट है वो इस पर जो पड़ रही है वो आपको चाहिए। तो आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी है। यहाँ ऊपर की साइड में हमारा एक कैमरे का जो ऑप्शन मिलता है रेंडर वाला, इस पर आपको जाना है और यहाँ नीचे की तरफ आपको फिल्म नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। इस फिल्म नाम वाले ऑप्शन में आपको खोलना है इसको और यहाँ ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे, सिर्फ आपका कैरेक्टर आपको यहाँ पे नज़र आएगा, बाकी सब चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी। और वीडियो एडिटिंग में ले जाके आप इस कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं और बैकग्राउंड में इसके कुछ भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको ट्रांसपेरेंट करके ही यहाँ पे रेंडर करेंगे। इसके लिए मैं रेंडर में जाऊँगा और यहाँ रेंडर एनिमेशन का आपको एक ऑप्शन मिलेगा
और इस रेंडर एनिमेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी रेंडर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ये जो PNG सीक्वेंस होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेम कितनी फास्ट यहाँ पे रेंडर करेंगे वीडियो को। जितना भी टाइम आपका लगता है नॉर्मल, उससे आधे से भी आधा टाइम आपको लगेगा इसको रेंडर करने में। तो इस तरीके से आप अगर कहीं बीच में इसको स्टॉप करना चाहते हैं या गलती से आपका ब्लेंडर क्रैश हो जाता है तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जहाँ तक आप रेंडर करेंगे वहाँ तक आपका सेव हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो यहाँ तक मेरा वो सेव हो चुका है। अब जो मैंने फोल्डर बनाया था PNG सीक्वेंस का, वापस से मैं जाके देखूँगा इसमें, तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारी इमेज मेरी आ चुकी हैं। नीचे की तरफ आएंगे, सबसे लास्ट वाली इमेज आपको देखनी है यहाँ पे, ये मेरी 126 फ्रेम तक रेंडर हो चुकी है, यानी कि 127 से मुझे अब रेंडर स्टार्ट करना है दोबारा, अगर मुझे इसको स्टार्ट करना है तो। इसको अगर दोबारा से रेंडर करना है बाकी बचा हुआ पोर्शंस, तो वापस इसमें आउटपुट में जाना है आपको, और यहाँ फ्रेम रेंज आपको मिलेगा, फ्रेम रेट जो होता है इसके नीचे। अब हमने 1 से लेके 126 तक तो मेरा वहाँ पे रेंडर हो चुका है, अब मुझे यहाँ पे 127 से वापस से रेंडर करना है, तो यहाँ पे 127 भर देना है जो मेरा स्टार्टिंग फ्रेम है, और एंड फ्रेम कितना है 350। अब मैं दोबारा से इसको रेंडर करूँगा, यहाँ पे रेंडर एनिमेशन जो वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी वहीं से ये इमेज को रेंडर करना स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से आपका बीच में भी क्रैश कर देता है तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से इसको रेंडर कर सकते हैं। जब आपका ये रेंडर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंडर जो है मेरा बहुत फास्ट हो रहा है, तो जितना मेरे को टाइम लगा मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कट कर दिया है वीडियो को, और आप देख सकते हैं अब मेरा ये रेंडर जो है कितनी फास्ट तरीके से यहाँ पे हो चुका है। तो इसमें मेरा पूरा एनिमेशन का जो वीडियो बोल सकते हैं या इमेज बोल सकते हैं वो अब सेव हो चुकी हैं, इनको मैं यहाँ से बंद कर सकता हूँ क्योंकि मेरा 350 फ्रेम तक इसने कम्प्लीट कर दिया है। अब वापस से मैं PNG सीक्वेंस में जाके आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की तरफ 350 तक मेरा ये यहाँ पे सेव हो चुका है। वीडियो के साथ साथ अगर आप इसमें ऑडियो भी निकालना चाहते हैं तो ऑडियो भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ का आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमने बीच में फ्रेम को चेंज किया था स्टार्टिंग वाला, तो जहाँ से आपको ऑडियो स्टार्टिंग हुआ है वहाँ से आपको ऑडियो निकालना है, क्योंकि ऑडियो बहुत फास्ट रेंडर हो जाता है PNG सीक्वेंस की अपेक्षा। तो 1 से ही आपको यहाँ पे ऑडियो को रेंडर करना है, और यहाँ आपको नीचे की तरफ आपको ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, तो जैसे ही आप यहाँ पे रेंडर ऑडियो करेंगे तो आपकी ऑडियो भी सेव हो जाएगी, जिसको आप वहाँ ले जा सकते हैं या फिर डायरेक्टली ऑडियो को आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं हमारा PNG सीक्वेंस को किस तरीके से हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। PNG सीक्वेंस को आप प्रीमियर प्रो के अंदर किस तरीके से लेके आएंगे, बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे इम्पोर्ट मीडिया का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, या फाइल में जाके आप इम्पोर्ट वाला जो बटन है इस पर क्लिक कर सकते हैं, या कंट्रोल आई बटन दबाएंगे तो भी आपका ये फोल्डर आ जाएगा। अब मैंने PNG सीक्वेंस को कहाँ पे सेव किया है, डाउनलोड में सेव किया है PNG सीक्वेंस, इसको आपको ओपन करना है। ध्यान रहे आपको हमेशा प्रीमियर प्रो के अंदर से ही इनको इम्पोर्ट वाले ऑप्शन से जाना है यहाँ पर, और यहाँ पे आपको जो सबसे पहला फ्रेम है वो सेलेक्ट करना है। अगर आपको इस तरीके से उल्टे सीधे आ रहे हैं इमेज तो इस पे राइट क्लिक लेंगे, यहाँ पे शॉर्ट बाय नेम जो है यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो फिर आपका बिल्कुल स्टार्टिंग से एक नंबर बन के ये यहाँ पे आ जाएंगे। अब मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1 मेरा यहाँ पे आ गया है, नंबर 2, 3 और ये बिल्कुल सीक्वेंस में मेरे पास में आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपका गड़बड़ी आता है कुछ भी तो यहाँ कहीं पर भी किनारे पर जहाँ पर खाली जगह आपको मिलती है वहाँ राइट क्लिक लेना है आपको, शॉर्ट बाई नेम कर देना है और ये बिल्कुल सही आपके हो जाएंगे, एकदम नंबर से आपके सामने आ जाएंगे। इसके बाद में सबसे पहला वाला जो है इसको आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ नीचे की तरफ आपको यहाँ पे इमेज सीक्वेंस का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको टिक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, अगर आपने इसको टिक नहीं किया तो आपका ये वीडियो नहीं बनेगी। तो इस पर आपको जैसे ही टिक करेंगे ये जितनी भी इमेज हैं उनको सबको यहाँ पे एज अ वीडियो प्रीमियर प्रो के अंदर भेज देगा। अब यहाँ पे ये जो ओपन वाला ऑप्शन है इस पे यहाँ पे जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे मेरा यहाँ पे ये एक वीडियो के फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी पूरी इमेज जो है वो मेरी एक वीडियो के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगी, और इसको ड्रैग करके मैं इधर की साइड अब डालूंगा तो एज अ वीडियो मेरे पास में ये आ चुका है। बैकग्राउंड में अब मैं यहाँ पे कुछ भी लगा सकता हूँ,
यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा स्लो जा रहा है ये, तो इसको थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। फास्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने बता चुका है, मैं इसको यहाँ पे 300 कर दूंगा तो ये मेरा फास्ट हो जाएगा इस तरीके से, और इस तरीके से यहाँ पे गिर जाएगा। बैकग्राउंड में अगर आप यहाँ पे कुछ भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इसके लिए मैं सिंपली कोई इमेज जो है वो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं डालूंगा यहाँ पे फ्री इमेज और यहाँ पे खोलूंगा, इसमें मैं डाल देता हूँ ग्राउंड। तो ग्राउंड मैंने यहाँ पे क्लिक किया, नीचे की तरफ मेरे पास में काफ़ी सारे यहाँ पे ग्राउंड आ जाएंगे, जो भी इससे मैच करता है उस टाइप का ग्राउंड ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये गन्ने का खेत आपको नज़र आ रहा है, इसको ले सकते हैं, या यहाँ पे एक ज़मीन है इसमें इसको ले सकते हैं, और इसमें इस वाले गन्ने के खेत को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं इस तरीके से डायरेक्टली। आपको हमेशा यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं जहाँ पे आपने सेव की है प्रीमियर प्रो की फाइल, वहाँ पे ले जाना है, तब आपको प्रीमियर प्रो के अंदर लेके आना है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इनको, यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप करूँगा, और इसके लिए मुझे हमेशा इसको इमेज को इसके नीचे रखना है। वीडियो को मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और इमेज को इसके नीचे रखूँगा, तब मेरा ये ऊपर यहाँ पे आएगा। और जहाँ पे भी आपको ये रखना है PNG सीक्वेंस को सेलेक्ट करना है, इसकी पोजीशन वहाँ पे सेट कर देनी है ग्राउंड पे। तो आप देख सकते हैं अब मेरा ये इसमें ग्राउंड पे सेट हो चुका है। अब मैं इसको प्ले करूँगा तो कुछ इस तरीके से मेरा ये चलेगा और ये नीचे गिर जाएगा। और थोड़ा सा आपको आगे दिखाना है तो इसकी लास्ट वाली जो है इसको आप एज अ स्नैपशॉट ले सकते हैं, या वहाँ से लास्ट वाला फ्रेम जो है उठा के डायरेक्टली इमेज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो मेरा PNG सीक्वेंस है इसी से लास्ट वाला जो फ्रेम है उसको उठा लूँगा और ड्रैग करके प्रीमियर प्रो के अंदर लेके आऊँगा, और इसमें अब ये लास्ट में काफ़ी देर तक मेरा गिरा हुआ आपको नज़र आएगा, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई है। तो जो पोजीशन इसकी थी 540 960, वही मैं इसको यहाँ पे दूंगा। सेलेक्ट करके चेक करेंगे यहाँ पे तो 775 जो है वो यहाँ पे इसकी पोजीशन है, तो इसको भी मैं 775 कर दूंगा, तो फिर मेरा ये अपनी पोजीशन पे इस तरीके से आ जाएगा। नीचे वाली इमेज को मैं खींच के कितना भी बड़ा कर सकता हूँ, इस तरीके से मेरा ये गिरा हुआ इसमें नज़र आएगा। आप चाहें तो यहाँ बैकग्राउंड में स्काई भी लगा सकते हैं ताकि थोड़ा सा ये नेचुरल लगे। कलर इसका चेंज करना चाहते हैं तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये सारी कलर ग्रेडिंग वगैरह आपको बता दी गई हैं जिससे ये थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई दे। इसके लिए बेसिक कलर जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरीके से बना सकते हैं, और यहाँ पे ग्रीन या जो भी आपको अच्छा लगता है वो कलर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट इसका थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा सकते हैं ताकि मेरा वीडियो में अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊंगा तो मेरा वीडियो में ये अच्छी तरीके से नज़र आएगा। अब ये थोड़ा अपनी जगह पे चल रहा है तो थोड़ा इसकी पोजीशन को जहाँ पे ये स्टार्ट करता है वहाँ से मैं इसकी पोजीशन पे की फ्रेम लगाऊंगा, और जहाँ पे मेरा ये एंड करके गिरने लगता है वहाँ पे मैं थोड़ा सा इसकी पोजीशन को एनिमेट कर दूंगा, यानी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के यहाँ पे इस जगह पे एक बार प्ले करके देख लेते हैं तो ये थोड़ा सा बिल्कुल नेचुरल आपको लगेगा। अगर आप भी प्रीमियर प्रो सीखना चाहते हैं और प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो कोर्स हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। गूगल में आपको टाइप करना है माधव प्रोडक्शन, और कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो नीचे की तरफ आपको कोर्स नज़र आ जाएगा। कोई भी कोर्स लेने से पहले दिए गए व्हाट्सएप चैट पे बात जरूर कर लें, क्योंकि हमारा कोई भी कोर्स लाइफ टाइम नहीं है और कोर्स करने के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, इसमें जो भी आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसका जो कलर है बैकग्राउंड से मैच होना चाहिए। तो इसके लिए ऑटो जो है इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, वार्म टोन जो है वो यहाँ पर देंगे इसको, और इस तरीके से आपका ये बिल्कुल नेचुरल आपको लगेगा। तो इस तरीके से आप 3D एनिमेशन की कोई भी चीज़ यहाँ ला सकते हैं। वीडियो रेंडर जो है वो बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा, और काफ़ी सारी चीज़ें जो आप ब्लेंडर में दिक्कत करती हैं वो आप प्रीमियर प्रो में ला के बैकग्राउंड चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला जो इमेज है इससे अलग है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ से कॉपी कर लीजिए इसका, और इसको इसमें ये जो कलर ग्रेडिंग की है इसमें आप यहाँ पे पेस्ट एट्रीब्यूट करेंगे, तो जितनी कलर ग्रेडिंग मेरी पुरानी हुई थी उसमें वो सब यहाँ पे इसमें भी यहाँ पे इमेज में यूज़ हो जाएगी। तो ये दोनों अब मेरा बिल्कुल सेम आपको नज़र आएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो की फ्रेम है मेरे वो दोनों में अलग अलग आपको नज़र आ रहे होंगे, तो इसमें से ये जो इमेज है इसमें से मैं की फ्रेम को हटा दूंगा इसमें इस तरीके से, और यहाँ पे जो पोजीशन है इसकी जो मैंने लास्ट की फ्रेम पे सेट की थी 1308 वो मैं इसमें सेट कर दूंगा 1308।
तो ये अपनी जगह पे बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आप देखेंगे, इसको मैं अगर फुल करके आपको दिखाऊंगा तो इस तरीके से मेरा कैरेक्टर आएगा और यहाँ पे ज़मीन पे गिर जाएगा, काफ़ी देर तक आपका गिरा रहे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी ब्लेंडर में बनी हुई PNG सीक्वेंस को यहाँ पे ला सकते हैं और आपकी वीडियो रेंडरिंग जो है वो बहुत आसान हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, आधे से भी आधी हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ, तब तक के लिए गुड बाय।